बच्चों हम लोग 12th बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें हम चैप्टर वन कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर वन के ऑल क्वेश्चंस कर चुके थे जो 2010 से 2021 तक के आए थे, 2010 टू 2021, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर वन के 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, वो सब हम कंप्लीट कर चुके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 के हम सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन में हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज फॉर इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर हम यहां इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट वाली लाइन लिख देते हैं। क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए आप लोग है ना एग्जाम में ये परपेंडिकुलर जो है ना, इसकी पूरी स्पेलिंग लिखना कंप्लीट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वाइस वर्सा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे क्या है कि एक्चुअली ये चीज बतानी इसलिए जरूरी है, इससे कंसेप्ट बनेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती क्या है, राइट। अब देखो आपका जो है ना, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, ये डायपोल है आपका, ठीक है। अब इस डायपोल में हम दोनों काम कर देते हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने से पहले अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजी हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफिकल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है बेटा, ये इधर और ये इधर, और ये आपकी इस तरह से घूम करके आती है, पॉजिटिव से आकर के ऐसे नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, हमेशा पॉजिटिव से आकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी। ये लाइनें आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपका इस तरह से आता है। में डेंसिटी चार्ज के पास में ज्यादा होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब आप यहां नीचे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो ये आपको लिखना जरूरी है ना, ये लिखना जरूरी है अगर आप दोनों को करते हैं तो, और अदरवाइज तो आप इसको ना बनाए तो भी चलेगा, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। असली चीज तो यहां है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है और आपको जवाब क्वेश्चन का देना है, राइट। तो देखिए अब इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइने बनेंगी। तो परपेंडिकुलर लाइने इस तरह से बनेंगी, देखो आप यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां पर जो है ना इक्विपोटेंशियल लाइंस पास पास बनेंगी, ऐसे आप दूर करते जाएंगे। देखिए आप देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है किस तरह से बन रही है ना। आप चाहो तो इसको कंप्लीट लाइन बना सकते हो, मतलब ये एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, ये लाइन नहीं है कि यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, ये सब सरफेसेज है। यहां वाली सरफेस जो होगी ना, बीचों बीच वाली सरफेस, ये इस तरह से होगी, इस तरह से ये प्लेन होगी सीधे, तो बाइसेक्टर प्लेन या इक्वेटोरियल प्लेन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, जिसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, यहां भी ऐसा होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगी ऐसे। देखिए आप समझ रहे हैं, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है,
दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनी है वो बनी है इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस। इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ जीरो पोटेंशियल। आप ये लिख सकते हैं यहां पे इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ जीरो पोटेंशियल। विथ जीरो पोटेंशियल ठीक है ना, जीरो पोटेंशियल वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है राइट। मतलब ये एक ही है, ये वाली पोटेंशियल सरफेस जीरो पोटेंशियल वाली है, बाकी इनका पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये बहुत ही आसान है ना। क्वेश्चन नंबर टू यहां भी आप लिख वो वाली पहली लाइन तो लिखे देंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये तो आपको लिखना चाहिए यहां, एक्चुअली कंसेप्ट है इसका हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल लाइंस। आप मन मर्जी से इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यह कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखिए जैसे हमने सिंगल पॉइंट चार्ज लिया ये प्लस क्यू है, अब प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी प्लस क्यू की, दूर जा रही थी, दूर जा रही थी आपकी लाइन दूर दूर जा रही थी ना। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनेगी सोचो, ये सारी लाइनें ऐसे दूर दूर जा रही हैं, अपने आप सोचिए दिमाग लगाकर कि कैसे बनेंगी, ये ऐसे बनेंगी, ये ऐसे बनेंगी। ऑल स्फीयर्स, ऑल स्फेरिकल सरफेसेज है ना, तो ऑल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज, ऑल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज सरफेसेज विथ विथ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, विथ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर सेंटर विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। ऐसा अगर आप लिखते हैं लेक्चर में के ऊपर जो है टीचर पर अच्छा असर पड़ेगा कि आपको पता है सब कुछ ठीक है। अपने आप को बताना पड़ता है, देखिए नंबर लेने के लिए बताना पड़ेगा अपने आप को। 90 मार्क्स लाना बहुत आसान है, 85 मार्क्स लाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप 95 लाना चाहते हैं, 97 लाना चाहते हैं, 98 लाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि मार्क्स उसी के बढ़ते जाते हैं एक एक नंबर ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्या है, does the charge given to a metallic sphere depends on whether it is hollow or solid? metallic sphere hai beta, to dhyan dijiye metals cannot have electric field intensity inside hai, sari ki sari electric field intensity outside ya surface par hi hoti hai. to third question ka answer jo hai bada hi simple hai ki metals don't allow charge to enter inside hollow hai na. to aap dekhiye metallic sphere metallic sphere have no electric field inside, no electric field intensity inside
the volume, inside the volume. So entire charge, entire charge be accumulated, be reside only, आप ऐसे लिख दीजिए, entire charge reside only on outer surface, only on outer surface. So hence no matter metallic sphere is hollow or solid, no matter metallic sphere is hollow or solid, charge will be only on the outer layer, on the outer surface. देखो सॉलिड होगा तो भी चार्ज आउटर सरफेस पर होगा, हॉलो होगा तो भी आउटर सरफेस पर चार्ज होगा, यानी इस बात का कोई असर पड़ना ही नहीं है. आप चार्ज मतलब हॉलो लेते हैं सॉलिड लेते हैं, आपका चार्ज तो बाहर ही रहना है, तो इसलिए इट विल मेक नो डिफरेंस. ठीक है, चलिए आगे, है ना. रीजन बड़ा सिंपल सा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं, तो देर इज नो इनसाइड चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सो नो चार्ज इज देयर, है ना. चलिए आगे, फोर्थ, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर, इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, आपको पोटेंशियल के बारे में बात करनी है. बेटा ए पॉइंट इज क्लोज टू पॉजिटिव चार्ज क्यू, है ना, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उससे आप बिल्कुल आराम से पता कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इज गिवन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन एज वी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. देयरफॉर वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एज पर क्वेश्चन आर ए इज स्मॉलर देन आर बी, देयरफॉर वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, VA greater than VB, therefore VA minus VB will be positive. आप सीधे लिख सकते हैं. Will be positive. भाई बड़े में से आप छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा. If you are subtracting the smaller quantity from bigger one, then certainly it will be positive, right? चलिए फोर्थ, फिफ्थ वाला सवाल देखिए. चार्ज क्यू इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए अबव अ डायपोल मोमेंट पी बिलो दिस विदाउट एक्सेलरेशन, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, जीरो वर्क डन. देखिए ये जो क्वेश्चन है फाइव, ये बहुत ही मतलब सटीक सवाल है. इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल, है ना. आप ये लिखिए कि इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना. तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, आंसर देखिए क्या है. पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, दोनों पॉइंट्स इक्वेटोरियल प्लेन पर है, है ना. इक्वेटोरियल प्लेन फॉर एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज
equatorial plane of any electric dipole is any electric dipole is an equipotential surface is an equipotential surface of zero potential equipotential surface of zero potential ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. देखिए आप जब ये लिखेंगे ना तभी आपका आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा. क्या पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ जीरो पोटेंशियल. इसका मतलब वी ए का पोटेंशियल कितना है, जीरो. वी बी का पोटेंशियल कितना है, जीरो. दोनों का पोटेंशियल जीरो है तो वर्क कितना आएगा, वर्क आएगा क्यू वी बी माइनस वी ए और ये भी जीरो है. सो वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल जीरो. तो ये पूरा का पूरा वर्क डन जीरो आएगा, है ना. अगर मान लो ये पॉइंट और भी कहीं होते ना, जैसे यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, इसकी पोटेंशियल जो सरफेस है तो ये पूरी की पूरी जीरो है. इक्वेटोरियल प्लेन वाली जो सरफेस होती है वो जीरो पोटेंशियल सरफेस होती है डायपोल की, ठीक है. चलिए आगे देखिए, व्हाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर कुर्ब. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी चीज पर है जिस पर अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंडक्टर के जो है ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों होती हैं? बिकॉज एनी कंडक्टिंग सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, एनी कंडक्टिंग सरफेस, any conducting surface is always equipotential surface any conducting surface is always equipotential surface ठीक है ना. no electric field intensity can be along the equipotential surface potential surface right. अब देखिए means electric field lines on the conductor surface electric field lines on the conductor surface must be in such a way so that no component of electric field intensity no component of electric field intensity is no component of electric field intensity is along the conductor surface perpendicular to a conductor, to a conductor surface. हमेशा ही perpendicular होगी, ठीक है बेटा. चलिए आगे बढ़िए. Next, two point charges Q and minus 2Q are kept at distance d apart. Find the location of point relative to charge Q at which potential due to this system of charge is zero. Very good question. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन अच्छा सवाल है, एक नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है. प्लस क्यू एंड माइनस टू, देखो बेटा माइनस टू हमें ना पोटेंशियल को जीरो करना है,
पोटेंशियल को जीरो करना था। क्या कह रहे हैं, टू पॉइंट फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज क्यू एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज जीरो। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जरा क्या सीन बनने वाला है। तो अब देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक मिनट इनको मैं मिटा दूं, प्लस क्यू चार्ज के कारण बेटा पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, माइनस टू क्यू के कारण नेगेटिव आएगा। तो अगर दोनों का सम करें तो जीरो आएगा, सही है। अब किस पॉइंट पर वो जीरो आएगा, तो देखिए मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं है ना, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्होंने डी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, डी। तो मैं मान लीजिए कि दिस इज पॉइंट पी, तो आप लिखिए सपोज पॉइंट पी इज जीरो पोटेंशियल पॉइंट, जीरो पोटेंशियल पॉइंट, तो पॉइंट पी इज जीरो पोटेंशियल पॉइंट, देयरफॉर वी प्लस क्यू पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इट इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको अगर मैं x लिख दूं तो इसको क्या लिख देंगे, d माइनस x लिख देंगे, अगर एक x है तो दूसरा d माइनस x है, तो प्लस q चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या जाएगा, k q अपॉन x, राइट, और v माइनस 2q चार्ज, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 2q माइनस 2q इट इज इक्वल टू k माइनस 2q अपॉन डी माइनस एक्स। तो आपका ये जो डायग्राम है ना, इसको आप जो है साइड में बना लेना और ये साइड में लिख लेना। अब आप देखिए यहां पे क्या है कि हमारे पास ये पी पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वी प्लस क्यू एंड प्लस वी माइनस टू क्यू, दोनों को ऐड करेंगे जीरो लिखेंगे, फिर उसको तो आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ट्वाइस के क्यू अपॉन डी माइनस एक्स, राइट, इसको जीरो लिखो आप, तो देखिए आपके पास में क्या रिजल्ट निकल करके आता है, के क्यू अपॉन एक्स आप इधर लिख सकते हैं, ट्वाइस के क्यू अपॉन एक्स, सॉरी के क्यू अपॉन एक्स आप यहां लिख सकते हैं, और ट्वाइस के क्यू अपॉन डी माइनस एक्स आप यहां लिख सकते हैं, तो के क्यू से के क्यू गया तो डी माइनस एक्स बराबर आ जाएगा टू एक्स, तो एक्स आपका यानी कि आपके d by 3 पॉइंट पर जो है ना पोटेंशियल जीरो आएगा। इन्होंने एक ही पॉइंट पूछा है ना पॉइंट, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू, तो हमने एक पॉइंट बता दिया, वैसे इसका दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट कैसे हो सकता है वो बताता हूं मैं आपको, ये एक आंसर आ गया आपका, राइट। आप देखिए अगर ये आपका प्लस q है और ये आपका d है और ये माइनस टू क्यू है, तो आपका एक पॉइंट यहां भी हो सकता है, इस पॉइंट को आप x मान लीजिए, तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी, d प्लस x। अब आप देखिए इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए r पॉइंट, है ना, आप ऐसे दो बता के आ सकते हैं, हो सकता है वो एग्जाम में दो पूछे, लेकिन फिलहाल तो यहां पे इन्होंने एक ही पूछा है। देखो आप पॉइंट दैट फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू चार्ज q एट व्हिच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम इज जीरो, केवल एक पॉइंट पूछा बेटा, अदरवाइज तो होते तो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, ये आर पॉइंट है। देखिए अब हम आर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल जीरो करना चाहते हैं, तो देखो के क्यू अपॉन एक्स माइनस के टू क्यू अपॉन डी प्लस एक्स, तो ये आपका जीरो आएगा, तो क्या आएगा आप उधर ले जाइए इसको, के क्यू अपॉन एक्स बराबर ट्वाइस के क्यू अपॉन डी प्लस एक्स, राइट जी, तो आपका ये KQ से KQ कट जाएगा, तो D प्लस X यहां आ जाएगा और ट्वाइस X उधर चला जाएगा, यानी आपके X बराबर D आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट आएगा और वो X बराबर D डिस्टेंस पर आएगा, मतलब वो सॉरी जीरो पोटेंशियल पॉइंट आएगा और X बराबर D डिस्टेंस पर आएगा, है ना।
आप देखो x बराबर d लिखो, आप यहाँ पे x बराबर d लिखो तो आपका जीरो हो जाएगा बिल्कुल पक्का। तो यानी दो पॉइंट्स होंगे ये, है ना। इन्होंने एक पूछा है, आप है ना एक का जवाब दे सकते हैं, तो ये आंसर दे राइट। नेक्स्ट, तो देखो ये सेवन क्वेश्चन जो है ना ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आठवां सवाल, द फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, इज द वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अच्छा अब देखिए एक बात सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ले जाना है तो वर्क डन जो है क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अगर ये प्लस चार्ज है, क्वेश्चन नंबर एट देखो आप बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से आप एक चार्ज, यहां पी पॉइंट है, पी से क्यू तक आप किसी को ले जाना चाह रहे हैं चार्ज, राइट। तो पी इज क्लोज एंड क्यू इज अवे, क्यू इज अवे। तो फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, इज द वर्क डन बाय द फील्ड, बाय द फील्ड पूछ रहे हैं ये, बाय द पर्सन नहीं पूछ रहे हैं, बाय द फील्ड पूछ रहे हैं। देखो फील्ड तो उसको ले ही जाएगा वहां से वहां तक, है ना। तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, हमारा वर्क डन बाय द फील्ड, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है वर्क डन बाय द फील्ड नॉट बाय द अस। अस तो ध्यान दीजिए, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, वर्क डन बाय फील्ड। इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय द फील्ड होता है क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो आप लिखेंगे क्यू वी पी माइनस वी क्यू। अब एक बात अलग है यहां पे क्लियर कि पी इज क्लोजर, पी इज क्लोजर, तो आप कहेंगे कि वी पी इज ग्रेटर देन वी ए, वी पी इज ग्रेटर देन वी ए, वी क्यू सॉरी वी क्यू। तो इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन, इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन। तो अब पॉजिटिव वर्क डन विल बी, पॉजिटिव वर्क विल बी डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क विल बी डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव वर्क होगा बेटा। अच्छा व्हाट इज वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये दोनों चीजें नोट कर लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और अस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी और अस, है ना, एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी कौन होता है, हम लोग, हम लोग अस। ये आएगा आपका क्यू वी टू माइनस वी वन, हमेशा ध्यान रखो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, आएगा Q इनिशियल माइनस फाइनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वैसे आप फैसला जो है ना यहां से देख के कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का बड़े आराम से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार करके उसको लेके जाएगा, क्योंकि ये P पॉइंट पास में है, Q पॉइंट दूर है, आप दूर ले जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप उसको धक्का मारेगा, दूर चला जाएगा। तो वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज द पॉजिटिव, करेक्ट। चलिए आगे, नाइन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्टिफाई, करेक्ट। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, है ना। ये बात अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, जो पिछला पेज था उसमें, फिर एक बार दोबारा ये सवाल आ गया, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से पूछा है, तो हम इसको जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर सच सरफेसेज, ध्यान दीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर सच सरफेसेज, सच सरफेसेज हैविंग Having no electric field intensity along the surface, along the
सरफेस। अब देखिए एक बात, एज एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। As no electric field intensity must be along the equipotential surface, so no component of the electric field line or intensity or electric field intensity must be along. Electric field lines will be only perpendicular to the equipotential surface. बस ये आपका लाइन जो है ना, लॉजिक इतना स्ट्रॉन्ग है सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई ना, वो जरा सा भी उन्होंने एंगल बनाया ना लिटली, तो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, तो हमें जीरो कंपोनेंट चाहिए वहां पे, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सर्फेसेज विल बी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए यहां पर हम इसका आंसर दे देते हैं, या चलो यहीं दे देते हैं आंसर, देखो ठीक है बेटा, आइसोलेटेड चार्ज के लिए एक सिंगल चार्ज, तो देखो क्या होगा आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज equipotential surfaces are concentric spherical surfaces keeping the point charge at center, keeping the point charge at center. Equipotential surfaces are concentric spherical surfaces keeping the point charge at center. तो जैसे अगर मान लीजिए ये है Q, तो आप इसके चारों तरफ जो है ना स्फेरिकल बना दें, ये सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज, ये सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं। एक मिनट जरा, ठीक है राइट right? तो ये सब की सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होंगी स्फेरिकल, इन्होंने यही पूछा है ज्योमेट्रिकल शेप, तो ज्योमेट्रिकल शेप स्फेरिकल होगी। चलिए आगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज राउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ व्हिच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा अच्छी तरह से। What is the amount of work done in moving a point charge round a circular arc of radius r at the center of which another point charge is located? तो देखो बेटा जीरो आएगा वर्क डन, कैसे, क्योंकि आपने ये चार्ज प्लेस किया, और अगर आपने यहां पर एक सर्कुलर आर्क लिया, तो सर्कुलर आर्क ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर आर्क एट इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो आप यहां पर अगर कोई चार्ज रखेंगे और इसको लेकर के आएंगे, ऐसा डायग्राम आपको बनाना चाहिए, दिस शुड बी द डायग्राम, लिखेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे राइटिंग देंगे, लेकिन ये डायग्राम बनाइए। तो यहां पर क्या आएगा, आप कहेंगे v is same। तो देखिए हम यहां पे क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर आर्क, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर आर्क, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर आर्क आर इक्विडिस्टेंट All the points of circular arc are equidistant from the center of arc, from the center of arc. So the potential, so the electric potential, so the electric potential, potential due to central charge, so the electric potential due to central charge. So the electric potential due to central charge will be, so the electric potential due to central charge will be equal, equal at all the points of circular arc, all the points of circular arc, points of circular arc. Delta V will be zero. No work will be done. No work. Zero work. कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना? तो this was question number 11, right? चलिए आगे बढ़िए. देखिए, ये आपका question number 12 है. अब ये question number 12 जो है ना, ये पता है क्या है? Depict एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सबसे बढ़िया इक्विपोटेंशियल सरफेस हम डिपिक्ट कर देंगे, और ये डायपोल है, डायपोल बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो प्लस 2 माइक्रो कूलॉम एंड माइनस 2 माइक्रो कूलॉम, राइट? हम इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन बेस्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसका पोटेंशियल जीरो है सारी की सारी सरफेस पर. तो आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा एज पर क्वेश्चन इट इज, एज पर क्वेश्चन इट इज इक्वी, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. आप ऐसे लिखेंगे फॉर एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और बाइसेक्टर प्लेन, आप ऐसा भी सकते हैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देंगे बाइसेक्टर प्लेन. तो फॉर एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल प्लेन और बाइसेक्टर प्लेन, प्लेन इज अ जीरो पोटेंशियल प्लेन, इज अ जीरो पोटेंशियल प्लेन. And it is equipotential plane, and it is equipotential plane. तो best equipotential plane हमने depict कर दिया, ठीक है बेटा? तो this is your answer. आप diagram भी बना दीजिए, diagram बना के explain भी कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही important है, right? 13 है, why electrostatic potential is a constant throughout the volume of the conductor? And has the same value on its surface. Good. देखिए, there is no charge inside the conductor in any case, and there is no electric field inside the conductor. As there is no electric field inside the conductor, so there is no potential change inside the conductor. So 13 question का answer जो है, मैं देखो बता रहा हूँ कैसे लिखूँगा, लिखूँगा. देखिए. देखो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नो चार्ज और नो
फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज देयर इनसाइड, इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर, है ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, change in potential take place, must take place, no change in electric potential must take place, है ना। delta V equal to zero, है ना। So everywhere the electric potential inside a conductor volume including its surface must be same, सब जगह सेम होगा बेटा। सरफेस पर जो है वही अंदर होगा, वही बाहर होगा, चेंज नहीं आएगा मतलब। तो देखिए क्या है, नो चार्ज और नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज देयर इनसाइड अ कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, no change in electric potential must take place. So everywhere the electric potential inside a conductor volume including surface must be same. हर हालत में सेम होना चाहिए, हर हालत में सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। Why the potential inside a hollow spherical charged conductor is constant and has the same value as its surface? बेटा same question again आ गया, the same answer, 14 का आंसर भी सेम ही होगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, एक लाइन का भी चेंज नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाई देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से बार बार सवाल घूम घूम के आया जा रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है वहां पर पोटेंशियल सेम होता है एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो नो वर्क इज टू बी डन। देखिए 15th क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं छोटा सा आंसर लिख देता हूं कि क्या है, क्योंकि बड़ा आसान सवाल है ना। देखिए 15 क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is same at all points, है ना। No electric field line is along any equipotential surface. So there is not any force on the equipotential surface. अब force ही नहीं है तो भैया काम कौन करेगा ये बताओ, surface, है ना। तो देखिए F डॉट एस विल बी जीरो, क्योंकि फोर्स नहीं है। दूसरा एक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी डेल्टा वी भी जीरो है, डेल्टा वी भी जीरो है, इसलिए भी वर्क जीरो है, दोनों कारण है वर्क जीरो होने के। अगर आप डेल्टा वी लिखेंगे तो डेल्टा वी जीरो है, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स जीरो है। अब फोर्स जीरो है तो वर्क कहां से आएगा,
वर्क होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो जीरो, इसलिए वर्क जीरो है, राइट। आगे देखिए क्या है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेम 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 है ना, हाँ जी, तो इट विल बी सेम, तो एट द सेंटर पोटेंशियल विल बी सेम, है ना, एज एज द पोटेंशियल एज द पोटेंशियल इन साइड अ होलो स्फीयर, इन साइड अ होलो चार्ज स्फीयर, ध्यान दीजिए, एज अ पोटेंशियल इन साइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज सेम, इज सेम इन द वॉल्यूम, सेम इन द एंटायर वॉल्यूम, इन द एंटायर वॉल्यूम, प्लीज, एज द पोटेंशियल इन साइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज सेम इन द एंटायर वॉल्यूम, इज सेम इन द एंटायर वॉल्यूम, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू that on the surface, that on the surface. So work will be zero, है ना, यही पूछा ना, so अच्छा अच्छा क्या है, एम होलो मेटल स्फीयर 5 सेंटीमीटर इज चार्ज पोटेंशियल एट द सेंटर, हाँ, एज द पोटेंशियल इन साइड अ होलो स्फीयर इज सेम इन द एंटायर वॉल्यूम and is also equal to that of the surface, so same potential will be there, है ना, so same value of potential, same value of equipotential, same volume of electric potential will be there at center, will be at the center, तो आप आंसर लिख दीजिए, सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए कि V at the center is what, कितना था बाहर उतना ही रहेगा 10 वोल्ट, ठीक है ना, तो इसको देखा आंसर हमने क्या लिखा, as the potential inside a hollow charge sphere is same in the entire volume and is also equal to that on the surface, so same value of electric potential will be at the center, right, next 16 के बाद में देखिए, Can two equipotential surfaces intersect each other? No, no, no. That is the same region. जो electric field lines क्यों नहीं intersect कर पाती थी, है ना? वही region वापस से हम बताने जा रहे हैं. तो आप देखिएगा question number 17 को मैं यहाँ पे explain कर रहा हूँ. Same region, वही region है कि जिस तरह से दो electric field lines नहीं हो सकती एक point पर, वैसे ही आपके दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्रॉस नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना उसका आंसर दे रहे हैं हम, कैन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस इंटरसेक्ट, नो, तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए नो, बिकॉज बिकॉज एट नो पॉइंट, एट नो पॉइंट two electric field lines are possible, because at no point two electric field lines are possible or two different electric field intensities different, यहां पे लिख दीजिए नो टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आर पॉसिबल, पॉसिबल। अब देखो एक बात सुन, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल केसेस, हर केस में होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन ऑल केसेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लो होंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी नहीं होंगी, है ना, सो नो
सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एज इफ कट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एज इफ इंटरसेक्ट सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एज इफ इंटरसेक्ट then so two equipotential surfaces if intersect then there will be two perpendicular electric field lines at the same point so there will be two perpendicular electric field lines at the same point that is not possible It is not possible. तो भैया ये possible ही नहीं है, right? तो अब देखो बात ये है, अगर दो equipotential surfaces कटने लग गई, मान लो intersect हो गई, तो मान लो हो गई दो मिनट के लिए, होती तो नहीं है कभी, इसीलिए तो नहीं होती, क्योंकि अगर मान लो हुई, तो वहाँ पे दो electric field lines भी आएंगी perpendicular, अब दो electric field lines perpendicular आएंगी, तो फिर तो बोलो गलत बात हो गई ना, it is not possible. आगे देखिए नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट है जूल पर कूलम बेटा जूल पर कूलम जो है ना पोटेंशियल होता है इसके लिए कोई बात ही नहीं करनी 18 में आप सीधे सीधे लिख दीजिए जूल पर कूलम इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक है 18 चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं ये दो मतलब फोर क्वेश्चंस और हैं ये भी 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं तो देखिए व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी हाउएवर मोमेंटरली करंट डज फ्लोस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एक्सपेक्ट करेक्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 19 ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ध्यान दीजिए ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हेंस electric flux between the capacitor plates ध्यान दीजिए during charging or discharging electric field intensity and hence electric flux between the capacitor plates changes है ना कैपेसिटर प्लेट में चेंज हो रहा है ना सो द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज सो द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज ठीक है ना बट एट स्टेडी स्टेट बट आफ्टर स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट चार्जेज ऑन प्लेट्स बी कॉन्स्टेंट एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स कॉन्स्टेंट No change in electric flux. No displacement current. आपने मतलब ऐसा आंसर लिख दिया है कि छोड़ा ही नहीं है मतलब ये जोरदार आंसर होगा कि आप
कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लिखा, ठीक है। तो ये इसका एकदम जोरदार एक्सप्लेनेशन है कि स्टडी हो जाएगा ना, तो फिर कुछ भी नहीं भाई, चार्ज कॉन्स्टेंट हो गया, चार्ज कॉन्स्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, चार्ज नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना, अगर आपने पढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, हमने आपको ये पढ़ाया था, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, छोटा सा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल वी फॉर टू कैपेसिटर सी वन एंड सी टू। अच्छा तो बेटा देखो, एक बात सुनो, सी क्या होता है, ये तो आंसर आ भी गया दो मिनट के अंदर। बोथ द कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया सी ऑफ सी टू इज ग्रेटर देन सी वन। Which line A और B corresponds to C1 and Y? देखिए सुनो, बात यह है कि इन्होंने कहा है कि इसका यह है A, यह है। तो अब आप देखो कि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q upon V, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर रहा हूं, C बराबर होता है Q upon V। अब A आप अगर B यहां लेते हैं तो आपका Q ज्यादा है, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम ग्राफ इट इज एविडेंट, आप ऐसे लिखिए, फ्रॉम ग्राफ इट इज एविडेंट दैट क्यू अपॉन वी रेशियो इज मोर फॉर कैपेसिटर ए, और कैपेसिटर ए दैट इज सी वन। सो सी वन इज ग्रेटर देन सी टू। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, बोथ द कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट एरिया ऑफ सी टू इज ग्रेटर देन सी वन। अच्छा, सी टू का एरिया ज्यादा है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ये है। अच्छा, तो देखिए अब इसमें यहां पर जो है ना, From graph it is evident that Q upon V ratio is more for graph A. आप इसको कैपेसिटर मत बोलो, क्योंकि कैपेसिटर का तो फैसला करना है अभी। Is more for graph A. ऐसे लिखिए आप, graph correct. So graph A corresponds to greater capacitor. अब देखो C2 जो है ना, उसका एरिया इन्होंने ज्यादा कहा है। हमारा C का फॉर्मूला क्या होता है, epsilon not A upon D। इन्होंने C2 का एरिया ज्यादा कहा है, तो A2 is greater given A1, ऐसा इन्होंने बोला है। It is given in the question, है ना, ये question में given है। Therefore, C2 is greater than C1. Hence, graph A represents C2. बस आपका आंसर हो गया। Graph A represents C2. A जो है C2 को represent करेगा, बड़े वाले को। B छोटे वाले को represent करेगा। बड़े वाले का एरिया जो है ना, प्लेट का एरिया बड़ा है, सी आपका आपको पता ही है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए 21 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। कंडक्टर जो है वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक में दोज मिनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर पुअर करंट कैरियर्स एंड कंडक्टर्स आर गुड करंट कैरियर्स। तो आप 21 का आंसर जो है ना इस तरह से लिखें, मैं बता रहा हूं देखो कैसे लिखेंगे 21 का आंसर। डाइलेक्ट्रिक्स आर हैविंग नो और वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लिखिए 21 का आंसर, डाइलेक्ट्रिक्स
इलेक्ट्रिक्स हैव वेरी लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो बिहेव लाइक, सो बिहेव लाइक इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर। बट कंडक्टर्स हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इजी करंट फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम द कंडक्टर्स, एंड इजी करंट फ्लो बट कंडक्टर्स हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इजी करंट फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टर्स ठीक है। चलिए डिफाइन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, ये जो है बहुत सिंपल वाली डेफिनेशन है। तो देखिए क्या है, डिफाइन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम। तो देखिए मैं बता रहा हूं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट समय 22 डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेज। ध्यान दीजिए, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज ऑफ मीडियम इज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेज ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर फिल्ड विथ the medium and with vacuum, bus with vacuum। देखो सुनो, सी विथ वैक्यूम होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, करेक्ट। सी विथ मीडियम होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है ना बेटा। अब देखो, अगर आप सी वैक्यूम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन आर आएगा, दिस इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दिस इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, ऑफ डी मीडियम, जो मीडियम आपके कंसिडरेशन में ना उसका है ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डी मीडियम। देखिए क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज यूनिट, नो यूनिट है ना। अब देखिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम, देखो एक बात और है, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो वैसे एप्सिलॉन आर को कहते हैं, लेकिन अब यूनिट अगर पूछ ली गई है तो ये एक्चुअल में रिलेटिव वो है ना। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ना वो एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होना चाहिए हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए आप ऐसा करो कि एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, आप यहां लिख दीजिए एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसकी यूनिट होती है फैराड पर मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं फैराड पर मीटर इज द यूनिट,
कैसे निकली वो हम बता देते हैं. फैराड पर मीटर इज द यूनिट. निकली कैसे? इधर देखो यूनिट बड़े आराम से निकल जाती है. आपने C इक्वल टू लिखा है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी. इसको हमने लिखा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ठीक है ना. एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा सी डी अपॉन ए. बड़ा C जो है कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती है फैराड, है ना. तो ये है फैराड. एक D की यूनिट होती है मीटर, A का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो फैराड पर मीटर आ गया है, ठीक है. तो ये जो है आपके वन मार्क क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए हैं. टू मार्क क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. नमस्ते.